तो दोस्तों यहाँ से भाई को आ रही है नींद, बढ़िया वाली नींद आ रही है इनको, और अब ये कह रहे हैं भाई मेरे से चला ही नहीं जाएगी। तो मैंने अंतर की बात की तो बोला है कि काम करो चलते हैं और आस पास पहले ठंडा पीते हैं, क्योंकि ये जो थे ना फ्री होम के वहीं से ही इनको नींद आ रही थी। इनका बंदा थोड़ी देर लेटने का, लेकिन ये चीज़ें ना कि ये थोड़ा बोलते तो हम लोग आराम से लेटते बैठते भी। अब ये बोले हैं नहीं कि चल ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि भाई राइडिंग करते टाइम या ड्राइविंग करते टाइम दोनों टाइम पे कभी भी भाई नींद का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक हल्की सी गलती बहुत कुछ कर देती है, इसलिए तभी मैं हमेशा जब भी होता हूँ ना तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई होकर रिलैक्स होकर फिर भी बाइक राइड करता हूँ। अब बाकी तुम लोगों से बात करते करते थोड़ा टाइम भी ऐसे निकल जाता है कि पता भी नहीं चलता। अब यहाँ से ये बता रहे कि मेरा घर पास पड़ेगा, मेरा घर बता रहे 20 किलोमीटर बता रहे हैं, 15 के आसपास बता रहे, 17 किलोमीटर नोएडा मतलब सिटी सेंटर का अपना, किसी दूसरे को देख के कह रहा है दूसरे को देख के दूसरे को नींद आती है। अब ये देखो ताले को, अरे कहाँ कर रहा है, ना इंडिकेटर ना कुछ। हमारी राय में सबसे ज्यादा दूर आ रहा भाई को पड़ता है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा से आते हैं। बाकी हम जितने हैं ना, मुझे हो गया या दिल्ली वालों जितने को हो गया, तो फिर इन्हें नोएडा क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ पे देख लो यार, क्या चीज चिकन जी, कहीं जाते जाते सो जा रास्ते में ही। हाँ मर गया ये, अरे आप असल में बात करते हुए जाओ। अब यहाँ से हमारा कितना है, कितना किलोमीटर अभी है यहाँ से, 4 मूर्ति है करीबन 12 किलोमीटर। चलो ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट राइड पे। अरे इसको वहीं पे नींद आ रही थी साले को। और भाई यहाँ से अब भाई बता रहे 10 किलोमीटर है और 4 मूर्ति फिर गौती। इसी रास्ते में सुबह आए थे, एक्चुअली में जब रास्ता चहल पहल वाला होता है ना तो बंदे को रास्ते का इतना पता नहीं चलता।
ओए क्या मॉडिफाई कर रखी है यार भाई साहब। अब यहाँ से हम इधर ही जाएंगे। भाई बढ़िया सा मजे करते हुए जा रहे हैं। अरे तो भाई साहब रास्ते का कुछ नहीं। चलो मेट्रो तो दिखी। नो नॉन पॉल्यूशन, नॉन पॉल्यूशन है तो भैया बीच में से ना करो तो ये मत लगते हैं आप छोटे छोटे से पैदल कवर जो होते हैं ना मत लगते हैं। हेलमेट तो सही है लेकिन यहाँ पे लोकल क्वालिटी के मिलते हैं केक आ जाता है। और यहाँ पे तो जहाँ तक टोटल टाइम यूज होते तो गाजे भाई साहब कितना इनके साउंड है यार, इसका चलान क्यों नहीं होता। कितना हल्ला मचा रहा है। और भाई मजा तो है यहाँ पे पुलिस वालों को हमेशा से सल्यूट। भाई तने पोचे पोचे ही तो बोलते हैं ना सर, नॉर्मल इंग्लिश में देखा जाए तो वाइपर बोलते हैं, बाकी देसी में मतलब इंडियन हिंदी में पोचे पोचे बोलते हैं। और यहाँ से भाई साहब एक बात है यार, मेट्रो तो बड़ी सुंदर बना रखी है मेट्रो सीजन रेड कलर का एकदम, लेकिन यार कलर जल्दी उड़ जाएगा इसमें। जैसी मेट्रो स्टेशन दिखती है ना ऐसा लगता है जैसे हमने दिल्ली में आ गए। अब ये आ गया दूसरा भाई साहब, यहाँ पे कहाँ है यूटर्न ले रहा है क्या। अरे यार ये कहाँ जा रही है। अबे नहीं 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 रॉन्ग टाइमिंग है देख लो। यहाँ से नोएडा 62 किलोमीटर। चलो
हाँ, ये जगह तो तुम्हें खैर याद आई गई होगी। सही था, आज मजा आ गया, कुछ ज्यादा ही। भाई 100 रुपए का भी पेट्रोल नहीं लगा इसमें। पापा सही कह रहे थे, 75 का वहां ले जाए। कितनी चली है? 100 किलोमीटर भी नहीं चली बाइक। कितनी चली है? 100 किलोमीटर 75 80 ये चल गई 108 700 पे लाया था, 700 पे, अब 808 हो रहे हैं। 108 किलोमीटर। हाँ क्या चीज? मुझे तो लग रहा था कुछ भी नहीं गया, उतना का उतना ही है, उतना ही है इसमें। मेरे हिसाब से इसमें 120-130 का तेल गया है बस। हाँ, यार भगाई नहीं भाई। और भाइयों यहाँ तुम लोगों ने देख लिया होगा,